सचमुच का सुपर हीरो है. बैटमैन एक मैन मेड सुपर हीरो है, लेकिन आई एम ऑलवेज वाउचिंग फॉर द अंडरडॉग और मुझे बैटमैन बहुत अच्छा लगता है. सो आई गो विद बैटमैन. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मगर आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरे नीसेज़ नेफ्यूज़ सारे बच्चे एक्साइटेड हैं. अगर वो 10 बजे का शो देख सकते थे तो वो डेफिनेटली यहाँ होते. जस्ट सेव वाटर एवरी वन, हैव अ हैप्पी होली, बी सेफ. स्पेंडिंग विद फैमिली. मैं व्हाइट पहन के आया हूँ, रेडी. हैप्पी बात जाएगी यार ये. या वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट राइट नाउ, जस्ट रैप्ड इट. या अभी हमने कंप्लीट कर ली है फिल्म, मेरे जन्मदिन पे ख़त्म की थी हमने, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी देखते हैं, जुलाई में होपफुली रिलीज हो जाएगी फिल्म. बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, नया कॉन्सेप्ट है और बहुत नए तरीके से एक जिस चीज़ को हम बहुत ही बेसिक समझते हैं कि यू नो मैन एंड वुमेन आर इक्वल, उस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत नए तरीके से रखा. और इससे ज़्यादा मुझे लगता है जिस किस्म से मतलब समाज में महिलाओं को महिला बना दिया जाता है और औरतों को और या मर्दों को मर्द बना दिया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देखा और सबसे अच्छी बात है मज़ेदार तरीके से देखा. तो आई थिंक कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म, एंड ज़रूर जाके देखें और अपने पति और पत्नी और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एंड मदर फादर को भी लेके. बहुत बहुत अच्छी है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अनयूजुअल कहानी है और आई थिंक अर्जुन और करीना दोनों ने कमाल का काम किया है और बाखूबी अपने किरदार निभाए हैं. आई वॉज वेरी एंटरटेन्ड. बाल्की की राइटिंग स्टाइल है ही कमाल की, उनकी शूटिंग स्टाइल भी सुपर्ब थी. फास्ट पेस्ड, एनर्जेटिक और बहुत ही अनयूजुअल कॉन्सेप्ट वाली फिल्म है कियन का. आई सजेस्ट के सबको जाना चाहिए. इट्स द बेस्ट डेट फिल्म, इट्स द बेस्ट फिल्म फॉर एवरी